जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, हमसे बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि हमारा नाम क्या है, हमारा नाम क्या है, हम अपना नाम बताएं। तो आज हम आप लोगों को नाम बता देते हैं, ठीक है? और हम आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि हमारे कितने नाम हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो हमें कमेंट में भी क्यूटी दीदी कहते हैं, स्वीटी दीदी कहते हैं और अपने हिसाब से नाम रख लेते हैं जो भी उन्हें अच्छा लगता है। तो इसी तरह से हमारे घर में भी अपने हिसाब से बहुत लोग अपना अपना नाम रख लेते हैं, जिसको जब जिस मूड में बोलना होता है वो वही बोलता है। अगर किसी के सामने कुछ बोलना होता है तो बहुत ढंग से, जो बहुत प्यार से नाम लिया जाता है, जो लोगों को बताया जाता है, अगर कोई पूछता है, वो मेरा नाम है सिवी। जब मतलब बहुत अच्छा मूड हो, कोई है उसके सामने बोलना है, तो वो मेरा नाम है सिवी, सिवी से बोलते हैं। आपको अब ये भी बता दें कि कौन किस नाम से बोलता है। एक दिन तो हद ही हो गई, घर पे, यहाँ पे नहीं, वृंदावन वाले घर पे वॉश बेसिन आया था, तो मम्मी पूछ रही थी भाई से कि वॉश बेसिन कैसा लिया है, क्योंकि मम्मी को ज़्यादा कलर वाली चीज़ें नहीं पसंद है। तो एक वॉश बेसिन आया था तो वो उन्हें पसंद नहीं आया था, तो डियर मम्मी पूछ रही थी कि किस तरह का वॉश बेसिन लेके आ रहे हो। मतलब बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड थी कि मुझे बताओ, मुझे फ़ोटो दिखाओ। तो भाई कहता है इसकी तरह आ रहा है। हम वहीं बैठे थे, हम, हमारे घर में डॉगी हैं, टाइगर के साथ हम बैठे थे, तो भाई कहता है इसकी तरह आ रहा है। तो मम्मी कहती इसकी तरह आ रहा है क्यों, उसमें वो लड़की वड़की बनी है क्या, वॉश बेसिन में कोई चित्र बनाया क्या लड़की का? तो कहने लगे ये लड़की दिखती है तुम्हें। तो मम्मी कहने लगे लड़की तो है और क्या है, लड़की तो दिख रही है। तो भाई कहता है कि वो लड़की वड़की कुछ नहीं बनी, उसमें डमरू की तरह वॉश बेसिन है और ये डमरू है, ये लड़की नहीं है, कहीं से मोटी कहीं से पतली, मोटी पतली मोटी पतली है, तो वो मुझे डमरू बोलता है। और जब ये सब लोग मिल करके अकेले में बात करेंगे, या फिर जैसे कोई बात है या फिर कोई चीज़ मेरे लिए लेने गए हैं, तो फिर वहाँ ये लोग मुझे मोटी मोटी करते हैं। आपको बता रहे हैं कि मेरे कितने नाम हैं, फिर ये मत कहना कि नाम नहीं बताया। अब हम सोच रहे सारे नाम बता दें आपको। भाई का जब मन होगा तो बहन बोलेगा, जब उसका मन होगा तो मोटी बोलेगा, और जब उसका मन होगा जैसे कि बहुत प्यार से बात करनी होगी, कुछ कोई काम होगा, तो बहुत प्यार से बिट्टो बोलेगा। वैसे हमारे घर में ज़्यादातर बिट्टो बोलते हैं, बिट्टो और बहन, जैसे अपनी दी को हम सबके सामने दीदी बोलते हैं, तो कहेगी अच्छा, तो वो दीदी वाली हरकत भी करने लगती हैं, ये करना, ये रखना, ये ऐसा कर दो, मतलब बहुत काम। जब कोई आया तो दीदी बोलते हैं, वरना हम दोनों एक दूसरे को बिट्टो बोलते हैं, वो हमें बिट्टो बोलती है, हम उसे बिट्टो बोलते हैं। लेकिन जब ये गुस्सा हो जाती हैं, आपको बता दे रहे हैं कि जैसे आप लोगों को बहुत स्वीट बहुत मासूम लगती हैं ना, ये हम आपको बता रहे हैं, जब इनको गुस्सा आ जाएगा या फिर इन्हें कोई बात नहीं करनी होगी, या फिर जैसे होता है ना कभी कभी बहन बहन में हो जाता है ना कि आपस में कोई बात हो जाती है, आप लोगों के साथ भी भाई बहन में कोई ना कोई बात हो जाती होगी, तो ऐसे हम लोग की आपस में कोई बात हो जाती है तो ये पता है क्या बोलती है, बिट्टो नहीं, सीवी भी नहीं, बहन भी नहीं, ए लड़की, सीधे लड़की पे आ जाती, ए लड़की, मतलब कुछ सामान नहीं मिल रहा है या फिर हमने वो सामान ले रखा था तो अब पूछना है, तो ए लड़की, ए लड़की ये काम, ए लड़की वो काम, इस तरह से बोलती हैं। क्योंकि वृंदावन में तो शिवम हम लोग का ट्रांसलेटर बन जाता है, जैसे हमें कुछ चाहिए होता है या हमें कुछ पूछना है तो हम शिवम से बोलते हैं, शिवम दीदी से पूछ के आता है, दीदी को कुछ पूछना होता है तो वो हमसे पूछ के जाता है। अब यहाँ तो कोई रहता नहीं है, हम दोनों रहते हैं, तो फिर उनको कोई बात करनी होती है तो फिर ए लड़की। और हाँ, इन लोगों की तो बात फिर भी ठीक तक ठीक थी कि ये लोग बोलते हैं, बड़े हैं तो चलो बोलते हैं। हमारे घर में मामा जी की बेटी पंजाब में रहती है,
वो भी आती है साथ में, अगर हम लोग काफी टाइम तक रहते हैं तो वो क्या बोलती है, वो छोटी है हमसे, वो मुझे बोलती है ढोलू दीदी। अब बताओ, कहती है ढोलू दीदी कहाँ जा रही हो, ढोलू दीदी खाना खाओगी, ढोलू दीदी। तो हम अपने घर में कभी ढोलू, कभी गोलू, कभी डमरू, कभी मोटी और बहुत कुछ बनते रहते हैं, ए लड़की भी बन जाते हैं। तो भाई मेरे घर में तो इतने सारे यही नाम हैं, बस मेरे घर में मेरी जो इज्जत करता है और जो ढंग से नाम लेता है और जो प्यार से बोलता है वो शिवम है। वो बोलता है दीदी क्या कर रही हो, दीदी कहाँ जा रही हो, कोई भी बात हो जाए, गुस्सा भी होगा तो भी वो ढंग से ही बोलेगा दीदी। और ये तो छोटे बड़े जो भी हैं, ढोलू मोटू पतलू सब करते रहते हैं, तो मेरे इतने सारे नाम हैं। अब आप लोगों से तो हम ये उम्मीद करते नहीं हैं, समझ रहे हो, ए लड़की तो मेरी बहन बोलती बोलती रहती है, डमरू तो मेरे घर वाले बोलते हैं, सीवी बहुत कम लोग बोलते हैं, जब बहुत अच्छे लोग आ जाते तब बोलते हैं सीवी, बाकी सीवी जल्दी नहीं बोलते हैं। तो डियर अब आप लोगों से तो हम इतनी उम्मीद कर सकते हैं ना कि आप लोग डमरू तो नहीं लिखेंगे, डमरू दीदी, ढोलू दीदी, गोलू दीदी। तो आप लोगों को हमने अपने सारे नाम बता दिए आज, ठीक है, समझ रहे हो। कुछ लोग तो हमें जानते होंगे, दीदी से जानते होंगे, उनसे जो लोग जुड़े होंगे तो वो लोग हमें जानते होंगे, अधिकतर लोग दीदी को जानते हैं, कुछ ही नए लोग आए होंगे इस चैनल पे, लेकिन कुछ लोग जो नहीं जानते हैं तो उनको तो पता हो गया इतने सारे नाम, लेकिन कुछ लोग जो जानते थे पहले से तो उनको तो केवल सीवी पता था, जो अच्छे नाम से बुलाया जाता है जब कुछ लोग आते हैं हमारे घर में, बहुत अच्छे लोग जब आते हैं ना उनके सामने तो बहुत अच्छे से सम्मानपूर्वक उन लोगों को तो सीवी पता होगा, लेकिन आज उन लोगों को भी पता हो गया कि मेरे क्या क्या नाम है और किस किस तरह से लोग बुलाते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे दीदी आप अपना नाम तो बता दीजिए, आपका नाम क्या है, हम जानना चाहते हैं, तो आज हमने आप लोगों को सारे नाम बता दिए, बस हम इतना चाहते हैं कि आप लोग डमरू ढोलू ना कहें, लेकिन आप लोग भी फैमिली का हिस्सा हैं, जो भी नया नाम रखना हो रख लेना क्या कहे जो भी। अब आप लोग क्या नाम रखेंगे, सारे नाम तो हमारे घर वाले रख चुके हैं, देख लेना जो आप लोग को ठीक लगे वो आप लोग रख लेना। और नाम का क्या है, जो आप लोगों को पसंद हो आप वो लोग भी बोल सकते हैं आप लोग, तो वैसे तो हमने आपको सारे नाम बता दिए, और कोई सवाल तो नहीं हो तो कमेंट में करना, रीडिंग की बात कर ले अब, नाम के तो जो बातें थी वो तो पूरी हो गई, बता दिया हम आप लोगों को नाम। डियर अब हम आप लोगों को बता देते हैं किस टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं, आज हम इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं, आप जिनसे प्यार करते हैं उनके बारे में सोच करके आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चलता है, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं किस केवल आप ही करते हैं। तो डियर देर ना लगाते हुए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग भी पायल को चुन लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है, और अपना ध्यान जरूर रखिएगा, और जो आपका मन करे आप वो लिख लेना, ढोलू या डमरू ठीक है, जय श्री कृष्णा। जी कृष्णा, ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप, हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में, हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त, जून। डियर ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपको डेट ऑफ बर्थ। डियर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 1 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 9 तारीख, 7 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख,
23 तारीख, 25 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख। 15 तारीख डियर आपकी हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का फर्स्ट लेटर। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है ERTUVRLGED, जेड भी हो सकता है आपके नेम का फर्स्ट लेटर। डियर अब हम आपको बताते थे साइन, क्योंकि साइन के बारे में बहुत सारे लोग बोल चुके हैं कि साइन जरूर बताया करिए, तो हम आपको साइन बता देते हैं। इसमें बहुत स्ट्रांग जो है अर्थ साइन, बहुत स्ट्रांग है अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन। डियर ये इसमें बहुत स्ट्रांग है। अब हम आपको बता देते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनके बीच में अभी बात नहीं हो रही है बहुत टाइम से, हो सकता है कि लड़ाई हो या फिर उन्होंने आपको किसी और की वजह से छोड़ा है। बहुत टाइम हो भी हो सकते हैं, कुछ महीने भी हो सकते हैं। डियर इन्होंने आपको किसी की वजह से भी छोड़ा हो, या फिर इनकी फैमिली वाले इनके लिए कुछ अच्छा सा रिश्ता देख रहे हो। कभी-कभी होता है ना कि पैसे के आगे प्यार हार जाता है, तो इन्हें लग रहा है कि उसमें कोई बात नहीं है, उसमें कोई फ्यूचर नहीं है, इससे शादी करते हैं। तो डियर ये आपसे छुपा रहे होंगे, आपको पता हो गया होगा, या फिर इनकी कोई लाइफ में हो ऐसा जिससे ये शादी करना चाहते हो, आपको धोखा दे रहे हो, तो आपको पता हो गया हो, तो इसकी वजह से आप दोनों के बीच लड़ाइयाँ हुई हो, आपने इनसे सवाल किए हो, बहुत कुछ बोला हो। डियर ये आपसे सच्चा वाला प्यार नहीं करते थे, टाइम पास वाला प्यार करते थे। अगर हमें किसी के साथ टाइम पास करना होता है, जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं तो किसी से भी बात कर लेते हैं, तो इसी तरह से इनका है कि इन्हें आपके साथ टाइम पास करना था। तो उस समय इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं देखा, आज ये बहुत कुछ बोल रहे हैं। आपकी सारी कमियां निकाल रहे हैं, आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपकी सारी गलतियां गिनवा रहे हैं। उस समय ये सारी बातें कहाँ गई थी? हो सकता है कि आपकी फैमिली को लेकर के आपको ट्रोल कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि आप क्या करें, क्योंकि आप तो इनसे सच्चा प्यार करने लगे थे और ये आपके साथ टाइम पास कर रहे थे कि अगर ठीक रहा तो आपसे बात करते रहेंगे, और अगर मेरी लाइफ में कोई इससे अच्छा आ गया तो फिर हम उधर देखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो इंसान बहुत अच्छा है, हाँ वो थोड़ा सा स्टेबल है, हो सकता है कि वो इनसे ज़्यादा स्टेबल हो, तो डियर इस वजह से छोड़ करके गए हैं। इनको उससे भी प्यार नहीं है, इनको उससे भी प्यार नहीं है, लेकिन दिखावा जो है और जो उसका सक्सेस है, स्टेबल है, पैसा है या फिर कोई बिजनेस है, इस तरह की पावर पोजीशन देख करके उसकी तरफ गए हैं। ये मेल हो फीमेल हो, ऐसा नहीं है कि मेल लोग ही धोखा देते हैं, कभी कभी फीमेल लोग भी कर देते हैं ऐसा। तो डियर ये कोई भी हो, क्योंकि बहुत सारे हमें लोग बोलते हैं कि आपको क्या लगता है दीदी कि लड़के ही धोखा देते हैं, तो ऐसा नहीं है, लड़के लड़कियाँ कोई भी धोखा दे सकता है, बस उनकी सोच पे होना चाहिए कि वो उनकी सोच कैसी है। तो डियर उन्होंने आपको छोड़ा है, लेकिन इनको उससे भी प्यार नहीं है, सच बता रहे हैं आपको, इनको उनसे प्यार नहीं है, कोई भी अटैचमेंट नहीं है, कोई भी प्यार नहीं है, सिर्फ उसकी खूबसूरती, उसके पावर पोजीशन की वजह से गए हैं, और आपसे भी जो इतनी जल्दी दूरियां बना ली हैं, आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो डियर आपको इनसे प्यार हो गया था, इनको आपसे प्यार नहीं हुआ था। प्यार व्यार का चक्कर ही ऐसा होता है, और कुछ लोग हैं कोई जॉब करते हैं या फिर अपनी फैमिली की बहुत सारी जिम्मेदारियों को संभालते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो जॉब करते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने घर की बहुत सारी जिम्मेदारियों को संभालते हैं। तो डियर आप ऐसे इंसान के पीछे अपनी जिम्मेदारियों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? यार तुम ही बताओ अच्छा कि
कुछ पल का इंसान आपको ऐसे कैसे तोड़ सकता है? क्या आपने कभी अपने से प्यार नहीं किया? आपने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। आप सोचते हैं कि अब कुछ भी नहीं बचा है, क्या करेंगे, क्यों करें, किस लिए करें, जो होगा ठीक है, देखा जाएगा, अब जीने का मन नहीं है। भाई मेरे, एक बात बताओ, ये इतनी सैड एनर्जी है कि हम आपको क्या बताएं। देखो, हम इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होते। हाँ, हो जाते हैं, मगर इतना ज़्यादा नहीं होते हैं जितना आज इस रीडिंग में फील हो रहा है। क्या आपने कभी खुद से प्यार नहीं किया? खुद के बारे में कभी सोचा नहीं? खाना छोड़ दिया है, किसी से बात करना छोड़ दिया है, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, सैड बातें सोच रहे हैं, मरने के बारे में सोच रहे हैं, सारी ज़िंदगी को सैड बना दिया है। उसकी एनर्जी से बताने से पहले आपकी एनर्जी पे मतलब बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि क्या बताएं आपको, कैसे हो जाता है। ठीक है, प्यार होता है, प्यार बहुत गहरा होता है, लेकिन एक तरफा प्यार में ऐसा क्यों जान देना? आपने उसे कई बार माफ किया है, ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार में उससे सवाल जवाब किए हैं। फिर भी आप सोचिए कि आप उसे माफ करने के लिए तैयार हैं, वो आपकी जिंदगी में आ जाए, आप उसे माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ महीने के लिए अभी उसकी जिंदगी में कुछ खराब हो जाएगा तो वो आपकी जिंदगी में वापस आ जाएगा। मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो, वो आपकी जिंदगी में वापस आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो आपको रोता हुआ छोड़ जाएंगे। फिर रोता हुआ छोड़ के जाएंगे आपको, क्योंकि उन्हें आपसे प्यार नहीं है, उन्हें आपसे प्यार नहीं है, सिर्फ उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं होता है, कोई नया रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो आपके पास आ जाते हैं और आपसे प्यार भरी बातें करने लगते हैं, आपका इस्तेमाल करने लगते हैं, और आप हैं कि उनकी बातों में फिर से आ जाते हैं। अपने ऐसे प्यार के हाथों आप मजबूर हो जाते हैं। कैसे समझाएं हम आपको? थोड़ा सा समझदारी लाइए अपने अंदर। आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हैं कि आप दूसरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं। कोई अपनी ज़िंदगी से हार जाता है, आप उसे संभालते हैं, आप उसे समझाते हैं, उसे नया रास्ता दिखा देते हैं जीने के लिए। खुद के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो इसी की है कि आप दूसरों को ज़िंदगी दिखा चुके हैं, दूसरों को नया रास्ता जीने का दिखा चुके हैं, कई लोग आपके इस एहसान तले दबे हुए हैं कि आपने उनकी ज़िंदगी में फिर से रंग भरा है, आपने उन्हें ज़िंदगी का रास्ता दिखाया है, और आप खुद के साथ ही ऐसा कर रहे हैं। आपको उनसे प्यार है, बहुत है, लेकिन प्यार कभी कमजोरी नहीं होता है, प्यार ताकत होता है। अगर प्यार कमजोरी बन जाए तो फिर वो प्यार नहीं होता। तो डियर, आपको भी पॉजिटिव होना है और आपको अपने से प्यार करना है, अपने लोगों से प्यार करना है जो आपसे प्यार करते हैं। आप उनके बारे में सोच रहे हैं जो आपको नहीं समझते हैं। ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी क्या आप गुजार लेंगे जो आपको नहीं समझता, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर नहीं करता, जो आपके प्यार की कदर नहीं करते? आप उनके साथ ज़िंदगी पूरी जी लेंगे ऐसे ही? ईश्वर ने आपको बनाया है, उसने नहीं बनाया है, फिर उसके पीछे इस तरह से पागल क्यों होना? अगर आप चाहेंगे तो आप संभाल भी लेंगे। एक होता है ना कि कोई रास्ता नहीं है, कोई समझदारी नहीं है, क्या करें क्या ना करें, ज़िंदगी का पहला दर्द है, कैसे निकलें? लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपने बचपन से देखे हैं दर्द, आपने बचपन से ही अकेलापन देखा है, बचपन से ही आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें रही हैं, आपके लिए इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अभी आप कोशिश नहीं कर रहे। कोशिश करिए,
अगर वो सुधर करके आपकी शर्तों को मान करके आपकी ज़िंदगी में आते हैं सिर्फ आपके लिए हो करके, तो आपके लिए ठीक है, आप उन्हें अपना सकते हैं। अगर वो ऐसे हो करके नहीं आते हैं तो आप उनसे बोल सकते हैं, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, आप उनसे बोल सकते हैं। लेकिन खुद को इस तरह से घुट घुट के मार नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे लोगों को कुछ सिखाना है, कुछ करना है आपको बड़ा। किसी के लिए आप इतना सब कुछ क्यों बर्बाद कर रहे हैं? कुछ लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रहे, कुछ लोग हैं जो अपने पे ध्यान नहीं दे रहे। हो सकता है कि कुछ आप करते हो, कोई स्टडी कर रहे हो, या फिर कहीं आप जाने की तैयारी कर रहे हो, फिर आप सोच रहे हो कि अब नहीं जाते हैं, ख़त्म करते हैं, फिर आप सोच रहे हो कि अब क्या करना, ज़िंदगी समाप्त हो गई है, ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। एक के जाने से सब कुछ ख़त्म हो जाता है? नहीं ख़त्म होता ना। सबके बारे में छोड़ दीजिए, अगर आपको लगता है कि आपको कोई नहीं समझता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जिनकी फैमिली भी नहीं समझते, फैमिली वाले लोग भी नहीं समझते, इसीलिए आप इनकी तरफ गए थे, ये आपको समझते थे, ये आपसे प्यार से बात करते थे, इसलिए आप अपनी फैमिली की दर्द से निकल पाए थे इनकी वजह से, इन्होंने आपको उस वक्त संभाला था, इनके प्यार की वजह से आप संभले थे। सबको छोड़ दीजिए, सबकी बातें छोड़ दीजिए, जो बातें आपको नेगेटिव करती हैं, जो बातें आपको तकलीफ देती हैं, वो सारी बातें छोड़ दीजिए, सिर्फ आप अपने ईश्वर के बारे में सोचिए कि उन्होंने आपको बनाया है, उनसे ज़्यादा क्या आप पे किसी का हक है? उन्होंने आपको बनाया है, आपको सही से बनाया है, इतना अच्छा सा दिमाग दिया है कि आप उसे चाहे तो पॉजिटिव कर सकते हैं, आप खुद को हील कर सकते हैं, आप अपने लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो डियर, इनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, और जो इनकी एनर्जी है वो ऐसी है कि ये आपको सिर्फ मतलब से इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, आपके पार्टनर ना समझते हो, आप कोई जॉब करते हो, आप बहुत स्टेबल हो, तो आपके पैसे का, आपकी पावर का ये इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टेबल थे, उन्होंने बहुत पैसे भी खर्च किए, बहुत कुछ किया उनके लिए, लेकिन अब उन्होंने उनको छोड़ दिया है। तो डियर, ये आपके पैसों का, आपके पावर का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे, किसी ना किसी मतलब से ये आपसे जुड़े थे। ये प्यार बिना मतलब के नहीं था, ये प्यार मतलब से जुड़ा हुआ था। बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब है इसमें तो, बहुत ही ज़्यादा, और आप हैं कि इनके लिए पागल हो रहे हैं। आपको लगता है कि एक बार टूटे थे, संभल गए थे, अब नहीं संभला जाएगा। हो सकता है कि आपकी शादी हुई हो, आपके पार्टनर ने ना समझा हो, तो आप मतलब बहुत टूट गए हो, बहुत दुखी हो गए हो, या फिर हो सकता है कि आपने किसी करीबी से बहुत बड़ा धोखा खाया हो, वो कोई रिलेटिव हो, या फिर किसी को खोया हो, मतलब कोई ऐसी चीज़ आपके साथ हुई हो कुछ साल पहले। तो डियर, आपने सोचा था आप संभल गए थे, लेकिन इनके आने के बाद और अब इनके जाने के बाद अब आपको लगता है कि अब नहीं संभल पाएंगे, अब ये धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब ये अकेलापन खाने को आ रहा है, ऐसे लगता है कि मर जाते हैं, ज़िंदगी से अच्छी वो होगी। कितनी नेगेटिव बात सोच रहे हैं आप, ये भी तो सोच सकते हैं ना कि शायद ये आपका कार्मिक हो, शायद आपको अभी बहुत कुछ करना हो। और किसी नेगेटिव इंसान के लिए हम क्यों मरे? हमें ईश्वर का काम करना है, ईश्वर ने हमें कोई काम करने भेजा होगा। आप इनके बारे में अभी सोचना बंद कर दीजिए, आप सिर्फ खुद के बारे में सोचिए, और कुछ टाइम तक आप मेडिटेशन करिए, सारी बातों को छोड़ करके सिर्फ मेडिटेशन करिए। आप इस वक्त सिर्फ अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं कि आपको कभी दुख नहीं मिला, आपको इन्होंने भी दुख दिया, ऐसे इनसे भी दुख मिला, इनसे उम्मीद की इनसे भी दुख मिला, अभी आप सिर्फ दुख का जोड़ गांठ कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, मतलब दुख को जोड़ रहे हैं, यहाँ से भी दुख मिला, यहाँ से भी दुख मिला, ये दुख मिला, ये सारे दुख मिला के इतना दुख हो गया। तो अभी आप दुख के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करिए, और इनकी एनर्जी
कुछ लोग हैं जो वापस आने के लिए उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये बहुत अच्छे हैं इनके लिए, मतलब आपके लिए। ऐसा नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर उन्हें फ़ोन भी कर रहे हैं, आप उनसे प्यार करते हैं और आपके मन में भी 1% आ रहा है कि ये आपकी ज़िंदगी में आप क्या करने आ रहे हैं, क्योंकि पहले आप बहुत रोए हैं, इनके पैर तक पकड़े हैं आपने कि आपको छोड़ करके ना जाएंगे, लेकिन इन्होंने आपको नहीं समझा, इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा और इन्होंने कहा कि आप मुखौटे वाले इंसान हैं, आपके कई चेहरे हैं, आप ड्रामा करते हैं, बहुत कुछ नेगेटिव बोला आपको, क्योंकि इन्हें जाना था तो फिर नेगेटिव तो बोलना ही था। अब इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, इस वजह से ही आपको फ़ोन कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि जब तक इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है तब तक आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में जगह दें, क्योंकि इन्हें बात करने की आदत है, किसी से टाइम पास करने की आदत है, ये किसी के लिए सच्चे नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ धोखा करते हैं, ये किसी के लिए सच्चे नहीं है। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि ये ईश्वर को बहुत मानते हैं तो फिर मतलब ये सही होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो उनके पार्टनर उन्हें बहुत पूजा पाठ करते हुए दिखे हों, बहुत कुछ करते हैं, उनके मन में लगता है कि यार वो तो महाकाल के भक्त हैं, वो तो ऐसे हैं, वो ये हैं, वो बहुत पूजा पाठ करते हैं, मतलब बहुत श्रद्धा रखते हैं ईश्वर में, बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं ईश्वर की, तो वो ऐसे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? पूजा पाठ करने से कोई इंसान सच्चा थोड़ी नहीं हो जाता है, हो जाता है क्या? नहीं हो जाता ना। तो ऐसा मत सोचिए कि कोई पूजा पाठ करता है, कोई बहुत ज़्यादा भक्त बताता है अपने आप को तो वो सही होगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग धोखा देते हैं, कोई भक्ति में धोखा देता है, कोई प्यार में धोखा देता है, बहुत तरह के धोखेबाज मिलते हैं। वो आपको बोलते हैं कि आपके मुखौटे हैं, लेकिन उनके कई मुखौटे हैं, उन्हें जो जैसा मिलता है वो वैसी बातें चिपकाते चले जाते हैं, उससे वैसी बातें करते जाते हैं, उन्हें जैसा जो मिला उससे वैसी बात करेंगे। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला इंसान मिला तो वो भी अपने आप को वैसा दिखाएंगे, ज़्यादा मतलब जिस तरह का इंसान उन्हें मिला वो उस तरह की बातें करते चले जाते हैं और हर किसी के दिल के साथ खेलते जाते हैं। अभी इनका कहीं पे दिल नहीं लगा है, सिर्फ इनका टाइम पास हो रहा है। तो डियर, ये आपके पास टाइम पास ही करने आए हैं। कुछ लोगों के पर्सन हैं जो उन्हें कॉल मैसेज कर रहे हैं, वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके पास टाइम पास ही करने आए हैं और इनके दिल में आपके लिए कुछ नहीं है। और कुछ लोग जो बहुत नेगेटिव हैं, अपने पर्सन के लिए सब कुछ अपनी ज़िंदगी में ख़राब कर रहे हैं, तो डियर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए और मेडिटेशन ज़रूर करिए, आप वही सोचिए जो आपको चाहिए, आप जो सोचते हैं उसका असर बहुत होता है, आप जो बोलते हैं उसका भी बहुत असर होता है। आप जैसे किसी से बोलते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ दुख है, ईश्वर कभी कुछ अच्छा नहीं करते हैं, तो वही सारी चीज़ें होने लगती हैं। कभी भी आप ये मत सोचिए कि ये दुख बहुत बड़ा है, इससे बड़ा क्या होगा, ऐसे बहुत सारे दुख हैं जिससे बड़ा, जिससे बड़ा, जिससे बड़ा बहुत कुछ होता है। तो आप उनके बारे में भी थोड़ा देखा करिए जो आपसे भी ज़्यादा तकलीफ़ में है। आप प्यार के लिए रो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रोटी के लिए रो रहे हैं, उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है खाने के लिए। अगर आप खुद को पॉजिटिव और मोटिवेट करने पे आ जाएंगे तो किसी का भी प्यार आपको रुला नहीं सकता। आप प्यार करते हैं बिना मतलब के प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अपने प्यार को ज़िंदा रखिए, लेकिन सिर्फ उसके लिए नहीं,
अपने लिए भी रखिए, किसी की ज़रूरतमंद के लिए रखिए, खुद को बिजी रखने की कोशिश करिए, आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। आप ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वो आपको बिजी कर दे, ऐसा कोई आपकी ज़िंदगी में काम आ जाए या फिर ऐसा कुछ आप करने लगे जिससे आप बिजी रहें और उसकी तरफ ध्यान कम जाए, क्योंकि आपको पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना है, नेगेटिव चीज़ों पे नहीं। तो प्लीज़ डियर, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपके लिए अच्छा होगा। आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए, अभी आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप कहीं घूमने चले जाइए, शायद आपको कुछ अच्छा लगे, उसके बाद आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। लेकिन इस दर्द से, इस एटमॉस्फेयर से, ऐसे लोगों से जो आपको तकलीफ़ देते हैं, उनसे थोड़ी सी दूरी बनाइए, आपके लिए अच्छा होगा। डियर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख, 21 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख। आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, जुलाई, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, जनवरी। डियर, ये आपका बर्थ मंथ है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का फर्स्ट लेटर। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है NRLVWBSHLTSR। आई डियर, ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं साइन। साइन बहुत स्ट्रांग है इसमें, फायर साइन, वाटर साइन, और साइन जो है वो कम है, लेकिन थोड़ा सा है एयर साइन। आपको जो याद कर रहे हैं, जिनसे आप प्यार कर रहे हैं, ये आपके पार्टनर हैं, आप इनसे ऑनलाइन मिले हैं, हो सकता है कुछ लोगों की अब बात ना होती हो, आप शादी वेबसाइट पे मिले हो, जिस पे शादी होती हो, ऐसी कोई वेबसाइट पे आप मिले हो, तो डियर अब आप इनसे बात ना करते हो। कुछ टाइम आपने इनसे बात की हो, लेकिन अब आप इनसे बात ना करते हो, ऑनलाइन आप इनसे मिले हो या फिर किसी पार्टी में मिले हो, कुछ लोग ऐसे हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन किसी वजह से आपने इन्हें छोड़ा। आप सोच रहे हैं कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, इन्हें ये लगता है कि कमियों को पूरा भी किया जाता है, कोई कमी होती है तो उसे ठीक भी की जाती है, इस तरह से छोड़ा नहीं जाता। कुछ लोग ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, एक्स पार्टनर के लिए। हो सकता है कि आपने किसी मजबूरी की वजह से शादी कर ली हो, अपनी फैमिली की वजह से कर ली हो शादी, आपने इन्हें छोड़ दिया। कभी कभी होता है कि इंसान दो रास्तों में फंस कर रह जाता है, किसकी सुनूं, प्यार की सुनूंगा तो फिर फैमिली का बुरा हो जाऊंगा, अगर फैमिली की सुनूंगा तो प्यार का बुरा हो जाऊंगा। तो मतलब बहुत सारी बातें, और आपको लगा कि प्यार में तो एक बार ये होगा कि सिर्फ सामने वाले का, एक का दिल टूटेगा, लेकिन परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी बातें
जिनका सब कुछ बचपन से जुड़ा होता है। और फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 4 दिन के प्यार के लिए परिवार को धोखा दिया। ऐसा भी क्या प्यार, जो अपने परिवार का सगा नहीं हुआ वो प्यार का क्या सगा होगा। तो ऐसी भी बातें होती हैं, लोग बोलते हैं। तो इन्होंने बहुत कुछ सोच करके आपको छोड़ा है और इन्होंने अपने परिवार की बात मानी है, आपने कहीं और शादी कर ली हो इन्हें छोड़ करके, तो डियर ये आपको धोखेबाज मान रहे हैं कि आपको कभी शादी इनसे करनी नहीं थी, वरना कमियां तो ख़त्म हो जाती हैं, कोई गलती हो जाती है तो वो माफ़ की जाती है। एक जैसी ज़िंदगी नहीं होती है, सब कुछ बदलता रहता है। अगर उनमें कोई कमी थी तो आप बताते तो शायद वो सुधार लेते। डियर वो आपके लिए बदलना भी चाहते थे, खुद को हर किसी के खिलाफ जाना था क्योंकि आपसे शादी करना था उन्हें, लेकिन आप ही उनसे शादी नहीं करे, आपने ही छोड़ दिया। तो वो आपको धोखेबाज मानते हैं कि आप मतलब से आए थे उनकी ज़िंदगी में। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं लेकिन आप अब उनके साथ नहीं रहना चाहते क्योंकि आप परेशान हो चुके हैं उन्हें समझा समझा करके, उनकी गलतियों को सही कर करके, हर किसी से झूठ बोल बोल के, आप अपने घर वालों से झूठ बोल बोल के भी आप परेशान हो चुके थे, उनकी कमियों को छुपा छुपा के परेशान हो चुके थे कि क्या करें। आपको लगता था कि शायद कुछ बदलेगा, शायद कुछ बदलेगा, शायद कुछ बदलेगा, और कभी कुछ बदल ही नहीं रहा है। आपके बच्चे भी होंगे, काफ़ी बड़े भी होंगे, तो आपने फैसला ले लिया होगा कि अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, कोई जॉब करेंगे, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी जॉब के बारे में आप सोच रहे हैं, किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में इतनी मतलब स्टेबिलिटी हो जाए, इतना मतलब पैसा आने लगे कि जिससे मैं अपने बच्चों की और अपनी देख रेख कर सकूं, बहुत अच्छे से रख सकूं, किसी की ज़रूरत नहीं चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जो किसी और से शादी करने के लिए सोचते हैं, लेकिन आपने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। आपने सिर्फ सोचा है कि आप खुश रहें क्योंकि आप इस रिश्ते को झेल चुके हैं जितना झेलना था। तो हो सकता है कि अब आप इनसे अलग हो गए हों, तो ये अब आपको बुरा कह रहे हैं, अब ये अपनी उस गलती को भूल गए, आपको बुरा कह रहे हैं क्योंकि आपने एक्शन लिया है ना इस रिश्ते में। ये तो बस आपको परेशान कर रहे थे, आपको तिल 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 मौत की तरफ ले जा रहे थे और ये चाहते थे कि आप चिंता कर करके चिता तक पहुंच जाए, लेकिन अब आपने ऐसे एक्शन ले लिया है तो ये अब आपको बुरा कह रहे हैं, लोगों से आपके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं और ये आपके बारे में गलत बहुत बोल रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आपने अभी तक तो इन्हें छोड़ा नहीं, ये नहीं सोच रहे कि आप इन्हें मौका दे रहे थे, इन्हें अपनी गलती सही करने का मौका दे रहे थे। ये सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई आ गया है या फिर कोई आपको भड़का रहा है, उसके भड़कावे में आप चल रहे हैं क्योंकि अब आप इन्हें छोड़ रहे हैं। डियर आप ये समझ लीजिए, ये इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं जैसे होता है ना कि चक्कू छुरी चक्कू फल पे गिरे या फल चक्कू पे गिरे, लेकिन कटना फल को ही होता है, बस वही वाला हाल है कि आप इनके साथ रह करके, इनकी गलतियों को छोड़ करके इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़े तो भी आप गलत हैं। अगर आप इन्हें छोड़ दिया, अपने लिए कुछ एक्शन लिया तो भी आप गलत हैं। तो फिर आपने अच्छा किया अपने लिए एक्शन लिया, क्योंकि जब दोनों तरफ से आपको गलत ही होना था तो अच्छा किया आपने एक्शन लिया। और कुछ लोगों ने जो अपने पार्टनर को छोड़ दिया है किसी मजबूरी की वजह से या फिर किसी से शादी कर ली है, कोई ऐसी बात थी, तो डियर वो आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं कि आपने उन्हें चीट किया है, आपने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, किसी से बोलते नहीं हैं लेकिन वो सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जितने भी गम हैं वो सारे आपके दिए हुए हैं, आपने उन्हें सारे गम दिए हैं। कुछ लोग हैं जो अपने करियर पे भी ध्यान देना छोड़ चुके हैं अब, तो वो सोचते हैं कि जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। इनकी बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है आपको लेकर के। हम आपको एक सॉन्ग सजेस्ट करते हैं, आप उसे यूट्यूब पे सुन लीजिएगा, नाम है वफा
मतलब के लिए लेते हैं क्यों? दर्द जो सीने में उठता है यह समझा नहीं कोई। पूरी तरह से तो मुझे नहीं पता, पर ये सॉन्ग इनकी एनर्जी से मैच करता है। आप इसे सुन लेना तो आप समझ जाएंगे कि ये आपके लिए कैसा सोचते हैं। कुछ लोग हैं जो किसी पे क्रश रखते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपके फ्रेंड हो या फिर ये आपको कॉलेज में मिले हो, ये या फिर आप कहीं जॉब करने जाते हो ये वहाँ आपको मिले हो। डियर, आप इन पे क्रश रखते हैं, आप इनसे प्यार करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दिल की बात बोल चुके हैं लेकिन उन्होंने आपको मना कर दिया, और वो अब आपको बहुत कुछ नेगेटिव दिखा रहे हैं। जैसे होता है ना कि अब उनका असली चेहरा पता चला, अगर ये चेहरा पहले देख लेते तो हम तो अपने दिल की बात बोलते ही नहीं, दिल की बात बोलते नहीं, दिल में ऐसा ख्याल भी नहीं आने देते। अब वो ऐसे आपके साथ कर रहे हैं, तो डियर वो अब लोगों से जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि शायद वो बहुत खूबसूरत अपने आप को समझते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि शक्ल से ज़्यादा दिल का खूबसूरत होना भी ज़रूरी होता है। शक्ल तो कभी उम्र के साथ बदल भी जाती है, लेकिन दिल की खूबसूरती वक्त के साथ निखर जाती है। तो ये दिल से खूबसूरत नहीं है, शक्ल से होंगे, मानते भी होंगे, या तो कभी-कभी होता है ना भ्रम की दुनिया, तो शायद ये भ्रम में भी अपने आप को रखते हों कि ये बहुत खूबसूरत है। तो डियर, ये लोगों से बताते हैं कि आप इनसे प्यार करते हैं, आपने इनसे अपने दिल की बात बोली है, आप इनके पीछे पागल हैं, या फिर आपकी बातों से, आपकी तरफ से ऐसा लगता हो। तो डियर, ये आपके लिए बहुत नेगेटिव सोचते हैं, प्यार व्यार नहीं है। कभी आपको अगर ये बोले तो आप इनको मना कर देना कि जो हमने बोला था वो मजाक किया था, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि ऐसा भी प्यार पे आकर के क्या करना जिसे कदर ना हो। ऐसी जगह प्यार कभी मत निभाना जिसे आपकी कदर ना हो, इससे अच्छा अकेले रह लेना। तो डियर, ये आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं लोगों से कि अरे हम इनसे जो बोलेंगे वो करेंगे, क्योंकि ये तो मेरे प्यार में पागल है। होता है ना, जब इंसान प्यार में पागल हो जाता तो कुछ भी करता है, तो इस तरह वाला है। तो इनसे कभी आप प्यार व्यार की उम्मीद मत करना, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए आप। कुछ लोगों को हो सकता है मेरी रीडिंग थोड़ी बुरी भी लगे, क्या है ये इंसान कैसे बोलता है कि मतलब प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना, अपनी ज़िंदगी में अकेले रहना। अकेले भी कोई रहता है क्या? अरे आप ही बताओ कि ऐसे प्यार से अच्छा अकेले रहना चाहिए कि ऐसे मतलब जो आपकी कद्र ना करे, जिसके पीछे आप पागल हो, सिर्फ मतलब से वो आपसे रिश्ते रखे, आपको वो समझ ले कि आप उसके पीछे पागल हो, इस वजह से वो आपकी ज़िंदगी में आए, तो ये सही है? या फिर वो भी आपसे प्यार करता है, आपकी कद्र करता है, वो सही है? अगर ऐसा इंसान आपको नहीं मिल रहा है तो आप इंतज़ार करो, नहीं तो फिर अपनी ज़िंदगी में आके बढ़ो, अकेले बढ़ो। पर ऐसे इंसान के साथ नहीं बढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब आपको कैसा लगता है आप बता सकते हैं, कमेंट में बता दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी कदर ना करे उससे दिखा देना चाहिए कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अगर हमने कभी आपके बारे में ऐसा सोचा है तो बहुत गलत सोचा है, उसे इस बात का एहसास ज़रूर करा देना चाहिए कि जो अगर सोचा भी है तो ये गलत सोचा है। तो डियर, ये आपसे प्यार नहीं करते, सिर्फ एक दिखावा, एक शर्त टाइप का होता है ना कि हाँ ये मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करता है, तो मैं इससे जो चाहूँ वो करवाऊँ। तो इनकी बातों में ऐसे कभी मत आना। कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि क्या करें, जिनसे प्यार करते हैं अब वो तो दूर हैं, वो मिलने आएंगे कि नहीं आएंगे, आप उनसे मिलना चाहते होंगे, आपने उनसे कई बार बोला भी होगा कि वो आपसे मिलने आए, किसी बहाने से मिलने आए, हो सकता है कि आपके रिलेटिव हों, इनके घर आपके आपका आना जाना हो, तो आपने उनसे बोला है, तो डियर उनके दिल दिमाग में सिर्फ आपसे मिलना ही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मिलना चल रहा है। वो सोच रहे क्या बहाना बनाए, कैसे जाए, कैसे मिले, क्या कहें, सिर्फ और सिर्फ आपका ही ख्याल उनके दिमाग में चल रहा है। क्या कह के जाए, किस तरह से छुट्टी लूँ, अगर वो कोई जॉब करते तो छुट्टियाँ भी तो लेनी पड़ेगी ना। तो डियर, वो कुछ ना कुछ बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि जिससे वो आपसे मिलने आए, और लेकिन ऐसा नहीं है
कि बस आए आपसे मिले और चले गए। वो सोचते हैं कि कहीं घूमने जाएं, कुछ टाइम साथ में बिताएं और ऐसा कुछ करें जो आपको बहुत अच्छा लगे। कोई सरप्राइज़ भी प्लान कर रहे हैं आपके लिए। तो डियर, इनके दिल दिमाग में ये चल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर बाहर रहते हों, आप अकेले रहते हों, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपकी शादी हो गई हो, वो आप बाहर रहते हो, आपसे दूर रहते हो। तो डियर, आप उनसे बोल रहे हो, कई सालों से आप ना मिले हो, वो ना आए हो। हो सकता है कि वो कहीं बाहर रहते हो, इंडिया से बाहर रहते हो। तो डियर, वो आपसे मिलने के लिए आने के सोच रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि आपको बताए ना। आपसे बहाने बना रहे होंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं मिलने आ सकता, नहीं मिलने आ सकती, लेकिन वो आपसे मिलने आने के बारे में सोच रहे हैं। डियर, ये बहुत जल्द आपसे मिलने आएंगे। कुछ लोग हैं जिनका बर्थडे आने वाला है, कुछ लोग हैं जिनका बर्थडे आने वाला है। तो डियर, ये आपके लिए बर्थडे प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको कुछ गिफ्ट देना चाह रहे हो जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, क्योंकि बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि ये आपको कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो आपके सक्सेस से जुड़ा हुआ है, जो आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ होगा, या फिर आपकी जॉब से जुड़ा हुआ होगा, या फिर आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें उसकी आपको बहुत ज़रूरत है। तो डियर, ये आपको वो देने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं कैसे क्या करें, कैसे क्या ना करें। हो सकता है कि आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो फिर आपको कहीं जाना हो लेकिन आप वहाँ पे जा ना पा रहे हो, कोई व्यवस्था ना हो, कुछ आपको पता ना हो, तो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको बहुत खुशी भी होगी कि आपके लिए थैंक यू शब्द भी बहुत छोटा होगा। कभी होता है ना कि खुशी के आंसू, इस तरह का आपके लिए सोच रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी फैमिली के लिए रीडिंग देख रहे हैं कि हम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, वो क्या सोचते हैं। डियर, आपकी फैमिली के लोग ये सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ रहें, आप खुश रहें और आप बहुत स्टेबल हो जाएं। कुछ लोग हैं जो प्यार के चक्कर में सोच रहे होंगे, या फिर आप सोचते होंगे या बात करते होंगे, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी के चक्कर में पड़ रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि आप नेगेटिव रास्तों में ना जाएं, अभी आप प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ें, अभी आप सिर्फ करियर पे ध्यान दें। तो डियर, वो चाहते हैं कि आप करियर पे ध्यान दें, आप स्टेबल हो जाएं, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, लेकिन ये चाहते हैं कि आप खुद के लिए बन जाएं, इन्हें टेंशन ना रहे कि आपको कभी कोई टेंशन होगी, और ये आपके हमेशा साथ रहेंगे। कुछ लोग हैं जो शायद कहीं बाहर रहते हैं, फैमिली से बाहर रहते हैं, या फिर कोई बात है, तो डियर, उनकी अभी तबीयत नहीं ठीक है, या फिर ये आपके पार्टनर हों जिनसे आपकी ज़्यादा बात ना होती हो, तो इनकी तबीयत नहीं ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली उन्हें समझती नहीं है। ये ट्विन सोल जर्नी वालों की भी एनर्जी लग रही है, आप ट्विन सोल रिश्ते में हो सकते हैं, इनकी फैमिली ने ना समझती हो, ये अकेले हो, इनकी तबीयत ना ठीक हो, या फिर इनकी फैमिली में कोई बात हो, तो ये सोच रहे हैं कि आपको ये बात बताऊं कि ना बताऊं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम हो। इन्हें लगता है कि आपको ये बात बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, और हो सकता है कि आप इनसे सवाल जवाब कर रहे हो कि बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या बात हो गई है, कोई टेंशन है, कोई बात है, और आप इनसे बोल रहे हो कि अगर आप मन भर गया हो तो बता दो। इस तरह से बात नहीं करने का मतलब क्या है, आप इनसे मतलब इस तरह से बोल रहे हो। तो कभी कभी अगर कोई इंसान बात नहीं करता ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका मन भर गया है, अब वो आपसे बात नहीं करना चाहता। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, तो थोड़ी सी समझदारी रखा करिए। हर बात में हर एक इंसान को गलत सोचना सही नहीं होता। तो डियर, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, ये आपको प्रॉब्लम नहीं देना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में बता करके। हो सकता है कि जब ये आपको अपनी लाइफ के बारे में बताएं, तो फिर आप इनसे अपनी प्रॉब्लम को बताना बंद कर दें।
तो डियर इस वजह से ये आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है जो बाहर रहते हों, आपकी फैमिली में सब ठीक हो, आप घर पे मतलब बात करते हो, वहाँ पे सब ठीक हो, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं है। आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, पार्टनर के लिए या फिर फैमिली के लिए, कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वो आपसे छुपा रहे हैं। तो प्लीज़ डियर पॉजिटिव रहिए। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम किसी से लड़ाई भी करते हैं, कुछ रिश्ते इतने अच्छे होते हैं कि किसी से हम लड़ाई भी करते हैं तो हम इसलिए करते हैं कि अभी ये बात ना पता चले, आप गुस्से में उनसे बात ना करें और वो आपको ये बात ना बताएं कि उनकी लाइफ में भी ये प्रॉब्लम है। तो डियर इसी तरह से आपके पार्टनर भी हैं कि वो आपसे लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे होंगे या फिर बात नहीं कर रहे होंगे, आपको ब्लॉक कर रहे होंगे। डियर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आपसे बात छुपा रहे हैं। लेकिन इसमें आपके लिए नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है कि वो आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपके लिए नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं। तो प्लीज़ डियर आप भी पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। अगर वो आपको नहीं बता रहे हैं तो आप ज़्यादा ज़बरदस्ती मत करिए, आप उनके लिए मेडिटेशन करिए, उन्हें पॉजिटिव एनर्जी से हील करिए, उनको टेलीपैथी से समझाइए कि जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, आप इतना टेंशन मत लीजिए। आप उनकी पिक्चर को देखिए, उनकी फ़ोटो आपके पास होगी, आप उसे देखिए रात में सोने से पहले, और उनसे बात करने की कोशिश करिए, उनकी एनर्जी से बात करने की कोशिश करिए, वो हील हो जाएंगे। जब आपको उनके सपने आते होंगे तो उनको भी आपके सपने आते होंगे, तो आप जब इस तरह से बात करेंगे तो उन्हें अच्छा महसूस होगा, उन्हें बहुत पॉजिटिव फील होगा। तो डियर आप उनकी ऐसे भी प्रॉब्लम कम कर सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए, आप तो सिर्फ पॉजिटिव रहिए और मेडिटेट ज़रूर करिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।